ठीक है। तो यू बॉब के अंदर हमको क्या करना है, सेम छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं। बॉब मतलब आपको शोल्डर के ऊपर चाहिए, उसको हम लोग बॉब कट बोलते हैं, बॉब कट ब्लंट कट। तो अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं यू बॉब। तो यू बॉब हमारा 0 डिग्री में होगा। लेंथ पूछ लें कितना चाहिए, कि आपको नेक तक चाहिए, क्या नेक का हाफ रखना है, कि थोड़ा और ऊपर चाहिए। तो लेंथ आप पूछ सकते हो। तो पहला सेक्शन स्ट्रेट। अब बॉब के अंदर क्या ध्यान रखना है, जब आप 0 डिग्री में काम कर रहे हो ना, बड़े वालों में क्या होता है, आप इसको यहाँ काट सकते हो, बट यहाँ अगर आप छोटे वालों में काटोगे, जैसे छोड़ोगे ना, उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा, लेयर्स आ जाएंगे छोटे बड़े वाले, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पूरा फिंगर को फ्लैट ही रखना है, इसको उठा नहीं सकते। तो लेंथ मैंने एक इंच तक थोड़ा कट कर लिया। पहला सेक्शन सिर्फ स्ट्रेट कटेगा, उसके बाद सेंटर पार्टिंग और डायगनल फिंगर। जैसे हम लोगों ने यू कट में किया था, अब जितना डायगनल उतना आपका ज्यादा यू, और ज्यादा डायगनल करेंगे तो वी बन जाएगा। तो पहला सेक्शन सिर्फ ध्यान से काटना है, उसके बाद तो इसको हम लोग फॉलो ही करते जाएंगे। तो पहला सेक्शन लिया, थोड़ा डायगनल, सेम सेक्शन यहां से डायगनल, तो यहां से फिंगर नीचे की तरफ, वहां से फिंगर ऊपर की तरफ, और उसको फिर क्या करना है, अभी हम 90 पे चेक नहीं कर सकते, छोटे हो गए बाल, उसमें यू कट में हम 90 में चेक किया था। तो उसमें क्या करना है, फ्री हैंड कटिंग। फ्री हैंड का मतलब क्या होता है, कि आपको ऐसे ही चेक करना है पीछे आके, कि आपका बाल कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, और मुझे लग रहा है ये थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नीचे है, तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग ऐसे ही कट करेंगे। जैसे हम लोग जेंट्स हेयर कट में करते हैं, शॉर्ट हेयर कट में करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही काटना पड़ेगा, या आप उसको थोड़ा प्रेस कर लो, चिपका लो और फिर काटो। जैसे पहला सेक्शन कट जाएगा, अब आपकी ये गाइडलाइन बन गई, बट आप इसको भी फॉलो करते जाएंगे, छोटे छोटे सेक्शन। सेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ। अब बॉक्स सेक्शन नहीं आएगा, अब क्या आएगा, सीधा सेंटर पार्टिंग, आधा वाला ऐसा, कहां तक, क्राउन तक, सेम ऐसे ही फॉलो होगा, ऐसे हम लोगों ने यू में किया था, बट इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग छोटे छोटे सेक्शन में जा रहे हैं ऊपर, उसमें थोड़ा 2-3 सेक्शन में खत्म कर लिया था, क्योंकि इसमें गाइडलाइन ज्यादा अच्छे से दिखती है। अगर मैं बहुत बड़ा सेक्शन ले लूंगा ना, तो नीचे गाइडलाइन नहीं दिखेगी, गाइडलाइन दिखेगी तो कट खराब हो जाएगा, ठीक है। गाइडलाइन आ गई, एक साथ नहीं था तो मैंने हाफ हाफ करके काट दिया। ये देखो, ये मेरी गाइडलाइन दिख रही है, बट मुझे इसको कनेक्ट करना है, पूरा एक साथ नहीं हो रहा है, आधा आधा करो। बाद में रिवर्स चेक में कुछ रहेगा तो निकाल सकते हैं। तो बस सेक्शन लेते जा रहा हूँ छोटे छोटे, और जो गाइडलाइन मैंने बनाया उससे खाली मर्ज करते जाओ। तो पहले सेक्शन में हम लोगों ने 3 सेक्शन लिए, एक बॉक्स दोनों साइड के, उसके बाद पूरा फ्रंट तलक ऊपर तलक सिर्फ 2 सेक्शन में ही काम करना है, यानी कि सेंटर पार्टिंग लेके डिवाइड किया। अब इसमें एक साथ नहीं जम रहा तो आप थोड़ा थोड़ा काट सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं, बट इसमें सेक्शन 2 ही आएंगे, आधा सेक्शन इधर आधा सेक्शन इधर। अगर ये साइड से ले लिया तो कट गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से लेंगे दोनों साइड वो इवन रहेगा। तो बैक सेंटर पार्टिंग आपको बार बार निकालना है जब तक आप क्राउन तक पहुंचोगे, और सेक्शन उतना ही बड़ा लेना है कि आपका नीचे का गाइडलाइन आराम से दिखता रहे। गाइडलाइन नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे, सेक्शन थोड़ा सा पतला कर देंगे, यानी कि थोड़े बार वापस से छोड़ दो, ऊपर कोम करेंगे, चेक करेंगे गाइडलाइन है कि नहीं, तो मुझे दिख रही है, नहीं दिखेगी छोटा कर दो। तो ये मेरा है यू बॉब। हाँ, ये हमारे बेसिक बॉब है, स्ट्रेट और यू, तो हल्का सा यू शेप। अब जैसे ऊपर आ गया, हेड थोड़ा सा नॉर्मल कर लो, और बाल गीले करते जाएंगे बार बार, ताकि गाइडलाइन अच्छे से दिखे।
हेयर वॉश करके कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है गीला करने की। हाँ, हेयर वॉश नहीं कर रहे तो आपको थोड़ा स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा, डमी पे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। क्लाइंट पे अगर आपका वेट है तो फिर ज़रूरत नहीं, आप करो, लग रहा है ड्राई हो गया, वेट करो। वेट करने से आपको तो गाइडेंस अच्छा मिलेगा, आपका कोमिंग अच्छा होएगा, फिंगर में ग्रिप अच्छी आएगी। देखो यहाँ पे भी गाइडलाइन कुछ भी नहीं आ रही, दिख रहा है? मैंने कोम किया तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सिर्फ ये इतना बाल ही कटेगा। देखो यहाँ पे इतना नहीं है तो सिर्फ इतना ही कटेगा, तो ज़बरदस्ती यहाँ पे कुछ काटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं है तो सीधा मैं इधर लास्ट में चला गया। यू वाला जो हम लोग करते हैं ना, सेम यू ब्लेंड यू कट सेम है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ फिंगर ऊपर नीचे करके उसको कनेक्ट कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है कि हम लोग सेक्शन थोड़े छोटे छोटे ले रहे हैं, उसमें थोड़े बड़े सेक्शन में हम लोग कर देते हैं। ठीक है, एक साथ ले लेंगे। देखो ये वाले कैसे भी ये स्टेप में कटा हुआ है पहले से, देखो थोड़ा सा ना लॉन्ग हेयर कम ने किया होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो जस्ट जो गाइडलाइन से नीचे आएगा उसी को काटना है। तो मुझे देखो यहाँ पे बैक सेंटर पार्टिंग लेने की भी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली इधर ही चला गया और बस इसको मर्ज कर लिया। और ये पूरे बाल आपके फिंगर्स के अंदर होने चाहिए, नीचे वाले बाल 0 डिग्री वाला जब कर रहे हैं। अगर कुछ छोटा बड़ा है हल्का सा वो रिवर्स चेक में क्लियर करेंगे, बार बार नहीं काटते जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये इतना ही है, काटने के टाइम पर ध्यान रखना है इधर नहीं काट देना, इसको पूरा पीछे ही लेके आना है। पीछे लेके आएंगे तो आपका लेंथ मेंटेन रहेगा, नहीं तो लेंथ ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है। ऑलरेडी हम लोग बॉब कर रहे हैं तो बॉब हेयर कट में छोटे छोटे सेक्शन काटने का रीज़न ये भी है कि आपके पास ना रिवर्स चेक का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। लंबे बाल हैं आप रिवर्स चेक कर सकते हो, छोटे वाले तो क्या होएगा, रिवर्स चेक करोगे और छोटे हो जाएंगे, क्लाइंट भड़क जाएगा कि मेरे बाल और छोटे कर दिए। तो कट इतना अच्छा करना है कि आपको ज़्यादा काटना नहीं पड़े रिवर्स चेक में। अब सेम जैसे यू कट किया था, यहाँ फिंगर ऐसे थी, इसी डायरेक्शन में आगे चेकिंग कैसी, सेम जैसे यू कट में चेक किया था। कैसे किया था मालूम है, बी सेक्शन आगे दोनों साइड से और फिर साइड से मर्ज करते हुए पीछे, तो बेसिकली स्ट्रेट और यू सेम वही है जो हम लोगों ने स्ट्रेट और यू कट किया है बॉब। अब यहां से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना, यहां से डायगोनल सेक्शन नहीं आएगा, पीछे से डायगोनल सेक्शन आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे बाल आपको प्रॉपर दिखता है और बाल की क्वांटिटी बहुत कम होती है। ठीक है, ये देखो पीछे से लाइन एक साथ नहीं हो रहा है, हाफ कर लो, लग रहा है छोटा ही बाल है तो एक साथ ले लो। और गाइडलाइन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इतनी, हाँ थोड़ा ही गाइडलाइन, काटने वाला पीस आपका ग्रिप में होना चाहिए। देखो गाइडलाइन है, चाहिए थोड़ा और ले सकता हूँ मैं, जितनी अच्छी लाइन दिखेगी उतना अच्छा बॉब कट दिखेगा। फिंगर को उठाना नहीं है काटने के टाइम पे बिल्कुल भी, वो जहाँ पे ग्रिप कर रहा हूँ शॉर्ट हेयर कट के, लॉन्ग हेयर कट में ऐसा ग्रिप करता हूँ और मैं थोड़ा ऊपर नीचे लाके भी काटता हूँ। बहुत सारे हेयर कट में नेचुरल में देखो आप लॉक करते हो नीचे लाते हो, रिवर्स में लॉक करते हो नीचे लाते हो, बॉब कट में जहाँ पे लॉक कर रहे हैं आपको उधर ही काटना पड़ेगा। फिंगर बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि छोटे बाल हैं, कट खराब हो जाएगा। हाँ, तो अगर यहाँ लॉक कर रहा हूँ तो उसको डायरेक्टली इधर ही काटना है, मतलब मुझे ये बाल बिल्कुल भी लूज नहीं करना है, इसको इधर भी नहीं काटना है, इधर भी नहीं काटना है। चल, इसके लिए इसके अंदर बेसलाइन ही मेन है ना, बेसलाइन मेन है, बेसलाइन बनाया पहला सेक्शन और उसके बाद बस मर्ज करता जाओ। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर आ गया तो हेड थोड़ा नॉर्मल कर लियो, और जहाँ के बाल है वहीं पर, इधर भी नहीं कटेंगे, इधर ध्यान रखना है कि ये बाल मेरा ट्रैवल हो गया तो ये पूरे
स्ट्रेट रहने चाहिए, बस फिंगर क्रॉस होना चाहिए तो आपकी लेंथ भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, इधर थोड़ा है आगे। फिंगर पे कंट्रोल अच्छा चाहिए, फिंगर पे जितना अच्छा कंट्रोल होगा उतना अच्छा आपका कट होएगा। तो फिंगर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ग्रिप में रहना चाहिए, जहाँ पे लॉक किया उधर ही कटेगा। ठीक है, तो ये साइड का मेरा डन हो गया। ठीक है, तो ये यू में चला गया हल्का सा ऊपर से अपोजिट साइड, हल्का सा साइड मिटेड। राम जी यू कट में ऐसे कर रहे, सेक्शन हॉरिजॉन्टल, पीछे से मैंने ऊपर से नीचे लिया था, यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। और इसको ऊपर की तरफ छोड़ लॉक करके। अब देखो जैसे मैंने ये ग्रिप बनाई है, ये लाइन इसी से ये ऊपर की तरफ, पीछे वाली लाइन कभी भी इधर ही काटना है, अच्छा कट तभी होगा, अंदर लेके नहीं काटना ज़्यादा, हाँ यहाँ नहीं काटना है। तो देखो मैं एक साथ नहीं काटा, मैंने उसको दो से तीन बार में काटा ताकि मेरा ग्रिप अच्छा है, क्योंकि पहला सेक्शन अच्छा कटेगा उसके बाद तो मुझे फॉलोअप ही करना है। और कोम से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्लिप यूज़ करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिप से निकाल रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, टाइम बच रहा है। देखो क्लिप निकालूंगा फिर किधर तो लगाऊंगा, हाँ होल्ड करूंगा, फिर कोम से निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा, फिर क्लिप लगाऊंगा, तो डायरेक्ट क्या करो तो निकालो होल्ड, टाइम बच जाएगा। और जितने भी ब्लंट हैं उसके अंदर हम लोग क्या नहीं करते, वन लेंथ हाफ अदर नहीं करते, शॉर्ट बाल है, लॉन्ग हेयर कट के अंदर वन लेंथ हाफ अदर। डायरेक्टली सारे ब्लंट पीछे से स्टार्ट होंगे और ख़त्म हो जाएंगे उसी गाइडलाइन को करते हुए, यानी कि आगे से हमारा नोज के सामने कुछ भी नहीं कटेगा हाफ फेदर, वो लॉन्ग हेयर में होता है, क्योंकि इसमें ब्लंट ब्लंट कट के अंदर लेयर्स नहीं आते फ्रंट पे, लेयर्स लंबे वालों में। तो छोटे छोटे सेक्शन क्यों लेंगे अभी, ताकि हमारी गाइडलाइन अच्छे से दिखे। हाँ एक साथ अगर मैं पूरा सेक्शन ले लूँगा तो गाइडलाइन नहीं दिखेगा। देखो यहाँ से मेरे बाल ड्राई हो गए, मुझे गाइडलाइन दिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई, आपने देखा, इसलिए मैं बार बार स्प्रे मारता हूँ ताकि ग्रिप में रहे, ग्रिप बारी बारी से जाता है पतला हो जाता है, बाल चिपक जाते हैं, ग्रिप अच्छी आती है। ठीक है, तो मेरा कट डन हो गया, उसके बाद में चेकिंग। तो चेकिंग बेसिकली तो हम लोग ब्लो ड्राई की बात करते हैं, ब्लो ड्राई कौन सा करेंगे, इन सब बॉब के अंदर बाउंस देके इन, वैसा वाला इन नहीं करेंगे, शोल्डर के आगे छोटे बाल है तो जहाँ का बाल है बस वहीं पे इंटर्न करेंगे ताकि वो फूल जाए, बाउंस आ जाए। चेकिंग सेम जैसे यू कट में किया था, फ्रंट से बैक तक सेंटर पार्टिंग, आधा इधर आधा इधर, है ना, और वी सेक्शन, वी सेक्शन, और जो भी साइड का गाइडलाइन छोटा है उससे उसको मिला देंगे। हाँ देखो ये वाला छोटा है, इससे उसको मिला दिया, ठीक है, अब इसको यहाँ पे कनेक्ट, उधर कनेक्ट, इसे यू में किया था सेम, बट ब्लो ड्राई के बाद, हाँ प्लीज़
अभी मैं गीले बालों में बता दिया हूँ, बट ब्लोटर की बात करते हैं ना तो बेस्ट। ठीक है, ऊपर वाली गाइडलाइन जो भी रहेगी, देखो ये गाइडलाइन है, नीचे वाली गाइडलाइन है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, जो भी दिखेगा बस खाली चेक कर लेंगे और उसको फ्री हैंड भी चेक कर सकते हैं। फ्री हैंड मतलब पूरा, मतलब फिंगर में नहीं लेंगे, वो छोटे वाले हो गए तो थोड़ा डायरेक्टली भी काम करते हैं ब्लेंड करने। ठीक है, तो वो चीज़ मेरा एक बार ब्लो ड्राई करोगे ना तो फ्री हैंड चेकिंग करेंगे उसका। ठीक है, लिया तो देखो लेके आए और कुछ ज़्यादा नहीं है, और कॉम्ब किया, कॉम्ब किया और फ्री हैंड चेकिंग डन मेरा। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हो गया, यू बॉब। थैंक यू सो मच।